हेलो, गुड इवनिंग। सब लोग लाइव आ जाइएगा। एनटीपीसी हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम, क्रैक ऑल बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम विद अस, टॉप एडुकेटर क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। मेरे पास कुल 9 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल में एक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी की बात करें तो टोटल 30 से ज्यादा कैटेगरीज पर यह अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी में जुड़ सकते हैं। हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। आपके लिए मैंने बनाया टेलीग्राम चैनल, आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ की एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। बैंक सब्सक्रिप्शन की जहां तक बात है तो अगर आप 1 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके लिए फी है टोटल 6,000, और अगर आप 2 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके लिए फी है टोटल 7,200 रुपए। लेकिन जैसे आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे आरपी के टेन तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जहां पर 1 सालों के लिए फी थी 6,000 वहां लेंगे 5,400, और जहां 2 सालों के लिए फी थी 7,200 रुपए वहां लेंगे 6,480। तो मेरा रेफरल कोड आप लोग जरूर याद रखिएगा आरपी के टेन। सब लोग लाइव आ जाइए और अपने सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, लोग लाइव आ जाएं जल्दी से। एक मिनट रुक जाइए। साउंड क्लियर आ रही है तो एक बार बता दीजिएगा आप लोग। साउंड क्लियर आ रही है? अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स और पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन और आंसर देना है सबको कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जितने लोग लाइव हैं सब लोग डिस्क्रिप्शन में जरूर एक फीडबैक लिंक भरिएगा, ठीक।
अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो फीडबैक लिंक जरूर भरिएगा। तो क्वेश्चन है कि हु रोट द फर्स्ट साइंटिफिक कार्टून बुक ऑफ द नेम बाय बाय कोरोना, यानी कि बाय बाय कोरोना नाम की पहली वैज्ञानिक कार्टून पुस्तक किसने लिखी है। पहला ऑप्शन है सुहासिनी मणिरत्नम, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तवा, तीसरा है सरबप्रीत सिंह, चौथा है राधिका शरत कुमार और पांचवा है रामचंद्र गुहा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा आंसर। क्वेश्चन है कि हु रोट द फर्स्ट साइंटिफिक कार्टून बुक ऑफ द नेम बाय बाय कोरोना, यानी कि बाय बाय कोरोना नाम की पहली वैज्ञानिक कार्टून पुस्तक किसने लिखी है। तो आपको बता दें कि इसका जो आंसर होगा, वेरी गुड इवनिंग चंद्रभान पटेल जी, शशि निधि जी, अनामिका पाठक जी एंड चंद्रभान पटेल जी, बी नंबर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है आपको बता दें, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तवा, यानी कि CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखित बाय बाय कोरोना नामक दुनिया की पहली वैज्ञानिक पुस्तक का विमोचन सुश्री आनंदी बेन राज्यपाल उत्तर प्रदेश के राजभवन लखनऊ में आयोजित एक समारोह में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हु हैज बीन इलेक्टेड एट द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्वेश्चन का आंसर बताएगा। क्वेश्चन है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। पहला ऑप्शन है एडली सुमारीवाला, दूसरा है प्रफुल्ल पटेल, तीसरा है शशांक मनोहर, चौथा है नारायण स्वामी श्रीनिवासन और पांचवा है शशांक मनोहर। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी क्वेश्चन है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। एडली सुमारीवाला या प्रफुल्ल पटेल, शशांक मनोहर, नारायण स्वामी श्रीनिवासन या फिर शशांक मनोहर, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से आप लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी क्वेश्चन है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। एडली सुमारीवाला, प्रफुल्ल पटेल, शशांक मनोहर, नारायण स्वामी श्रीनिवासन या शशांक मनोहर। चंद्रभान पटेल जी जल्दी से आंसर बताइएगा। हम आपको बता दें कि इसका जो आंसर होगा वो है एडिले सुमारीवाला, यानी कि एम्बिलेंट अदिले सुमारीवाला उनके तीसरे कार्यकाल के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया FFI के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया था, जबकि दिग्गज लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज को अपने वार्षिक आम सभा के दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बैंक विल गो लाइव ऑन द RBI अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, यानी कि कौन सा बैंक लाइव होगा RBI अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर। पहला ऑप्शन है IDFC फर्स्ट बैंक, दूसरा ऑप्शन है एक्सिस बैंक, तीसरा ऑप्शन है इंडसइंड बैंक, चौथा SBI और पांचवा है HDFC बैंक। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच बैंक विल गो लाइव ऑन द RBI अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, यानी कि कौन सा बैंक लाइव होगा RBI अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर। IDFC फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, SBI और HDFC बैंक। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फटाफट आप लोग कमेंट में। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएं आंसर। क्वेश्चन है विच बैंक विल गो लाइव ऑन द काउंटर RBI अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क,
हम आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर है वो होगा इंडसइंड बैंक, यानी कि इंडसइंड बैंक ने घोषणा की कि वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत एक वित्तीय सूचना FIP जिसको कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के रूप में लाइव हो गया, ऐसा करने वाला देश का पहला बैंक है। इंडसइंड बैंक की बात करें हेडक्वार्टर का पुणे, सीईओ है सुमंत काठपालिया जी, टैगलाइंस है कि वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर। पुष्पेंद्र कुमार जी CCC, शिवम निधि CC, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएगा, क्वेश्चन है कि हु हैज वन द ग्लोबल CMO ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड, वर्ष 2020 का ग्लोबल CMO पुरस्कार किसने जीता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा आंसर। साउंड चेक, क्वेश्चन है कि हु हैज वन द ग्लोबल CMO ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड, वर्ष 2020 का ग्लोबल CMO पुरस्कार किसने जीता है। आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा राजेश गोयनका, राजेश गोयनका नाम का पाठक जी सी नंबर, बिल्कुल सही, पिछला क्वेश्चन का बेटा आंसर था वो राजेश गोयनका। यानी कि आरपी टेक इंडिया यह घोषणा करते हुए प्रसन्न है कि वह निदेश की निदेशक बिक्री और विपणन, विपणन मतलब मार्केटिंग, श्री राजेश गोयनका को ग्लोबल CMO समिट और अवार्ड्स 2020 में ग्लोबल CMO ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि आरपी टेक इंडिया इज डिलाइटेड टू अनाउंस दैट मिस्टर राजेश गोयनका डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग वाज ऑनर्ड विद द ग्लोबल CMO ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड एट द ग्लोबल CMO समिट एंड अवार्ड्स 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विच क्रिकेटर टू स्कोर 1000 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट, यानी कि किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाए हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच क्रिकेटर टू स्कोर 1000 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट, किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाए। पहला ऑप्शन है क्रिस गेल, दूसरा ऑप्शन है विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन है रोहित शर्मा, चौथा MS धोनी और पांचवा है AB डिविलियर्स। अनामिका पाठक जी सी नंबर, शिवम निधि BBB, पुष्पेंद्र कुमार ए, शिवम निधि गेल और पुष्पेंद्र कुमार क्रिस गेल। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है कि विच क्रिकेटर टू स्कोर 1000 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट, यानी कि किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाए हैं। हम आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा क्रिस गेल। यानी कि 31 अक्टूबर को किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच IPL 2020 के खेल में वेस्ट इंडीज के सुपरस्टार क्रिस गेल ने अपनी सजी हुई टोपी में एक पंख और जोड़ा। वह T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इन द IPL 2020 गेम्स गेम बिटवीन किंग्स इलेवन पंजाब एंड राजस्थान रॉयल्स ऑन अक्टूबर 31 वेस्ट इंडियन सुपरस्टार क्रिस गेल एडेड अनदर फिगर इन हिज डेकोरेट हैट व्हेन ही बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन क्रिकेट हिस्ट्री टू रीच एन एस्टोनिशिंग 1000 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट गॉट द स्टेटस ऑफ बेस्ट गवर्न स्टेट बाय PSC रिपोर्ट, यानी कि PSC रिपोर्ट द्वारा किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला है। जल्दी से आंसर बताइएगा, इसे पहले आंसर दिए थे शिवम निधि, पुष्पेंद्र कुमार, अनामिका पाठक, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है कि विच स्टेट गॉट द स्टेटस ऑफ बेस्ट गवर्न स्टेट्स बाय PSC रिपोर्ट, यानी कि PSC रिपोर्ट द्वारा किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा मिला है। जल्दी से आंसर बताइएगा, पहला ऑप्शन तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है केरला और पांचवा है आसाम। फटाफट आंसर बताइएगा जल्दी से आप लोग, क्या होगा आंसर इसका। क्वेश्चन है विच स्टेट गॉट द स्टेटस ऑफ बेस्ट गवर्न स्टेट बाय PSC रिपोर्ट, यानी कि PSC रिपोर्ट द्वारा किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा मिला है। पहला ऑप्शन तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरला और पांचवा आसाम।
राहुल जेप जी, डी नंबर राहुल जेप, केरला। सब लोग आंसर बताइएगा। क्वेश्चन, विच स्टेट गॉट द स्टेटस ऑफ बेस्ट गवर्न्ड स्टेट बाय पीएससी रिपोर्ट। पीएससी रिपोर्ट द्वारा किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा मिला है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, आसाम। राहुल जेब जी, बहुत बढ़िया आंसर। इसका आंसर हो जाएगा केरला, यानी कि केरल के बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक मामलों के केंद्र द्वारा जारी सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2010 में सबसे नीचे था। केरला की बात करें तो जिसकी कैपिटल का तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ अलायंस एयर, यानी कि अलायंस एयर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन प्रदीप श्रीवास्तवा, दूसरा ऑप्शन हरप्रीत सिंह, तीसरा राजेश गोयनका, चौथा है रवि संथानम और पांचवा है पद्मजा चुंदुरु। बताइएगा जल्दी से आंसर, सब लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड, हु हैज बीन अपॉइंटेड, सनहीरा सालिक जी, केरला। बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी फास्ट आंसर करना। क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ अलायंस एयर, यानी कि अलायंस एयर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ अलायंस एयर, अलायंस एयर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप श्रीवास्तवा, हरदीप सिंह, राजेश गोयनका, रवि संथानम या पद्मजा चुंदरु? जल्दी से बताइएगा आंसर। क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ अलायंस एयर। एलायंस एयर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप श्रीवास्तवा, हरप्रीत सिंह, राजेश गोयनका, रवि संथानम, पुष्पेंद्र कुमार रवि। बहुत बढ़िया भाई, मेरा भी नाम रवि है। पद्मजा चुंदरु, तो इसका आंसर हो जाएगा हरप्रीत सिंह। ठीक है संहिरा सैक जी, इसका आंसर क्या होगा? हरप्रीत सिंह। एयर इंडिया की पहली महिला पायलट हरप्रीत एडी सिंह को राष्ट्रीय वाहक की सहायक कंपनी अलायंस एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वह किसी भारतीय वाहक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है। ठीक, इसी का नाम है हरप्रीत सिंह। क्या था क्वेश्चन? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ अलायंस एयर, इन्हीं को अलायंस एयर का अभी सीईओ बनाया गया है। कौन है ये? तो हरप्रीत सिंह। बहुत बढ़िया, प्रज्ञा गौतम जी बी नंबर, सनहीरा सैक जी बी नंबर, सनहीरा सैक जी, हरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन फिल्म गॉट द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर अवार्ड एट 14th एशियन फिल्म अवार्ड, यानी कि किस भारतीय को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर का पुरस्कार मिला? पहला ऑप्शन है सुपर 30, दूसरा ऑप्शन है महानती, तीसरा है केसरी, चौथा गली बॉय और पांचवा है एनटीआर महान या कुदु। क्वेश्चन है किस भारतीय फिल्म को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर पुरस्कार मिला है? मूल स्कोर का पुरस्कार मिला। विच इंडियन फिल्म गॉट द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर अवार्ड एट 14th एशियन फिल्म अवार्ड? सुपर 30, महानती, केसरी, गली बॉय और एनटीआर महान या कुदु। पहला आंसर शिवम निधि गली बॉय, पुष्पेंद्र कुमार गली बॉय, प्रज्ञा गौतम डी नंबर, अनामिका पाठक जी डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा गली बॉय। इंडियन मूवी गली बॉय को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर का पुरस्कार मिला है। यह अवार्ड कर्स काले द साल्वेज ऑडियो कलेक्टिव में गया, यानी गली बॉय ऑफिशियल टेलर, यानी गली बॉय की बात करें हम लोग, और लोगों का नाम ही रिकमेंडेड नहीं करते हैं फिल्म वाले। ठीक, नेपोटिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वेजन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, विश्व शाकाहारी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर,
या थर्ड, बताइएगा जल्दी से, 30, 31, 1, 2, और 3 नवंबर। 30 और 31 वाले में अक्टूबर है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट आप लोग जल्दी से। वर्ल्ड वेजन डे, वेजिटेरियन जानते हैं उसी को लिखते हैं वेजन डे। विश्व शाकाहारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला आंसर पुष्पेंद्र कुमार, 1 नवंबर। दूसरा आंसर किसका आ रहा है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। क्वेश्चन है वर्ल्ड वेजन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, विश्व शाकाहारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? अनामिका पाठक जी सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर। तो कोई इससे ज्यादा टाइम नहीं रहता मेरे पास, इसलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए आप, हम कमेंट का लंबा वेट नहीं कर सकते आपका। सनहीरा सैक जी सी नंबर। तो क्वेश्चन है विश्व भर में शाकाहारी लोगों द्वारा प्रति वर्ष 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। यह एक शाकाहारी जीवन शैली का पालन करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है, जो पशु कल्याण और पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। यह दिन यूनाइटेड किंगडम में द वेगन सोसाइटी का स्थापना दिवस का प्रतीक है। एक चीज आप लोगों को बता दें कि क्लासेस समाप्त होने के बाद डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां पर आप लोग अपना फीडबैक जरूर सबमिट करिएगा, आपको किस तरह का सुधार चाहिए या क्लासेस आपको कैसी लगी, आप मेरा नाम वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, और फीडबैक जरूर सबमिट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा इस क्लास के, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां फीडबैक आप लोग जरूर सबमिट करिएगा। तो क्वेश्चन था कि विश्व भर में शाकाहारी दिवस की बात कर रहे थे हम लोग, तो विश्व भर में शाकाहारी लोगों द्वारा प्रति वर्ष 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। यह एक शाकाहारी जीवन शैली का पालन करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है, जो पशु कल्याण और पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। यह दिन यूनाइटेड किंगडम में द वेगन सोसाइटी का स्थापना दिवस का प्रतीक है, यानी कि आप लोग भी जीव जंतु को मारना कम करें, शाकाहारी बन जाएं सब लोग, ठीक है, ये पशु कल्याण और पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। प्रति वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है, 1 नवंबर। शाकाहारी खाना, शाकाहार भोजन करिए, स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, विच स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैज इंक्लूडेड ट्रांसजेंडर कैटेगरीज इन एप्लीकेशन फॉर्म, इन द एप्लीकेशन फॉर्म। क्वेश्चन है किस राज्य के लोक सेवा आयोग ने आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर श्रेणी को शामिल किया है? ये चीजें बिहार में पहले हो चुकी है, लेकिन अब ये नया है, तो चलो पढ़ लो, करंट अफेयर्स है। तो क्वेश्चन है कि विच स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन हैज इंक्लूडेड ट्रांसजेंडर कैटेगरी इन द एप्लीकेशन फॉर्म। क्वेश्चन है किस राज्य के लोक सेवा आयोग ने आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर श्रेणी को शामिल किया है? पहला ऑप्शन है आसाम, दूसरा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है महाराष्ट्र और पांचवा है तमिलनाडु। सौरभ यादव जी वेरी गुड इवनिंग। पहला आंसर शिवम निधि आसाम, दूसरा आंसर शिवम निधि ए, सौरभ यादव जी ए नंबर, अनामिका पाठक ए, सनहीरा सैक जी ए। तो क्वेश्चन था कि विच स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन हैज इंक्लूडेड ट्रांसजेंडर कैटेगरीज इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी किस राज्य के लोक सेवा आयोग ने आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर श्रेणी को शामिल किया है? हम आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा आसाम। असम कथित रूप से सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए लिंग श्रेणी में ट्रांसजेंडर विकल्प को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, कौन? असम। ऐसे ये पहला नहीं कह सकते, इससे पहले कई सारे स्टेट में हो चुका है ये, ठीक। असम की बात करें तो कैपिटल का दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है सर्वानंद सोनेवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट ए रेयर स्पेशल टाइप ऑफ टी हैज सोल्ड एट ए प्राइस ऑफ 75,000 पर केजी। किस राज्य में एक दुर्लभ विशेष प्रकार की चाय 75,000 रुपया प्रति किलोग्राम के रूप मूल्य से बेची जा रही है? बताइएगा, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन। इंडिया का नेशनल ड्रिंक, यानी कि राष्ट्रीय पेय की संज्ञा मिली हुई है किसको, तो भारत की चाय की, चाय को। तो क्वेश्चन है किस राज्य के एक दुर्लभ विशेष प्रकार की चाय 75,000 रुपया प्रति किलोग्राम के मूल्य से बेची गई? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा है मिजोरम, चौथा है हिमाचल प्रदेश और पांचवा है आसाम। जल्दी से आंसर बताइएगा, फटाफट आंसर दो तुम लोग जल्दी से। पहला आंसर शिवम निधि ई नंबर, सौरभ यादव जी आसाम, अनामिका पाठक ए नंबर। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। तो क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट
In which state a rare special type of tea has sold at a price of rupees 75,000 rupees per kg? नाम का पाठक ये नंबर जल्दी जल्दी आंसर बताओ फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन था कि किस राज्य के एक दुर्लभ विशेष प्रकार की चाय 75,000 रुपया किलोग्राम के मूल्य से बेची गई है? सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और आसाम। हम आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा आसाम, यानी कि आसाम की इस दुर्लभ विशेष चाय ने 75,000 रुपए प्रति किलोग्राम के उच्चतम मूल्य स्तर पर बेचने का अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। एक कप में रेयरेस्ट लग्जरी या आसामिया चाय मुनहारी गोल्ड टी की एक खासियत को परिभाषित करता है जो गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र GTAC में 75,000 रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड मूल्य पर बिकी है। ठीक, तो याद रखिएगा आसाम की एक दुर्लभ विशेष प्रकार की चाय थी जिसका नाम था मनोहारी गोल्ड टी जिसको 75,000 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा गया है। गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर ने ये किया है, गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर ने कहा आसाम में। जैसे आसाम की बात करें तो कैपिटल तो दिसपुर है लेकिन गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर वहां पर बनाया गया। तो क्वेश्चन था कि भारत में कौन सी दुर्लभ चाय है जिसको 75,000 रुपए किलोग्राम बेचा गया, तो इसका नाम है मनोहारी गोल्ड टी जो कि आसाम में ये बेचा गया है, मनोहारी गोल्ड टी। स्टेट आसाम की बात करें तो जिसकी कैपिटल का दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है सर्वानंद सोनेवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच टाइफून हिट्स द फिलीपींस रिसेंटली, हाल ही में फिलीपींस में कौन सा टाइफून हिट हुआ है? पहला ऑप्शन है नाकरी, दूसरा ऑप्शन है काल मेगी, तीसरा ऑप्शन है गोनी, चौथा ऑप्शन है फूंग वांग और पांचवा ऑप्शन है फेंग सेन। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन है विच टाइफून हिट्स द फिलीपींस रिसेंटली, हाल ही में फिलीपींस का कौन सा टाइफून हिट्स हुआ है? क्वेश्चन एक विच टाइफून हिट्स द फिलीपींस रिसेंटली, सनहीरा सैक जी ई नंबर, रवि रेणुका गोनी, शिवम निधि सी नंबर, सौरभ यादव जी गोनी, अनामिका पाठक सी। इसका आंसर हो जाएगा गोनी। गोनी टाइफून अभी हिट हुआ है, टाइफून गोनी फिलीपींस भर में बैरलिंग कर रहा है जिसे विनाशकारी हवाओं और बारिश के साथ ला रहा है। टाइफून गोनी इज बैरलिंग अक्रॉस द फिलीपींस ब्रिंगिंग विद इट कैटास्ट्रोफिक विंड्स एंड रेन। फिलीपींस की बात करें हम लोग तो कैपिटल कहां है इसकी, तो मनीला, करेंसी है पेसो, प्रेसिडेंट है वहां के रोड्रिगो डुटरेटे। नाम कुछ ऐसा है, एक दो बार पढ़ना पड़ेगा आपको, रोड्रिगो डुटरेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रायथू वेदिका प्रोग्राम हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट। क्वेश्चन है कि रायथू वेदिका कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है केरला और पांचवा है आसाम। तो क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है रायथू वेदिका कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? रायथू वेदिका प्रोग्राम हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट। रायथू वेदिका कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना, चौथा है केरला और पांचवा आसाम। सनहीरा सैक जी सी नंबर, सौरभ यादव जी तेलंगाना, अनामिका पाठक जी सी नंबर। तो क्वेश्चन है कि रायथू वेदिका प्रोग्राम हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट। रायथू वेदिका कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला और आसाम। हम आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा तेलंगाना, यानी कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जनगांव जिले के कोडकंदला मंडल
कोटकंदला मंडल मुख्यालय शहर में रायथू वेदिका का उद्घाटन किया। रायथू वेदिका किसानों को एक मंच पर लाने के और उच्चतर रिटर्न प्राप्त करने में उनकी मदद करने की एक पहल है। सरकार की योजना राज्य में 2601 रायथू वेदिका के निर्माण की है, जिसमें से 30 अक्टूबर तक 1580 पूर्ण हो चुके थे। यानी कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जनगांव जिले के कोटकंदला मंडल मुख्यालय शहर में रायथू वेदिका का उद्घाटन किया। रायथू वेदिका किसानों को एक मंच पर लाने और उच्चतर रिटर्न प्राप्त करने में उनकी मदद करने की एक पहल है। सरकार की योजना राज्य में 2601 रायथू वेदिकों के निर्माण की है, जिनमें से 30 अक्टूबर तक 1580 पूर्ण हो चुके थे। तेलंगाना की बात करें हम लोग, तो कैपिटल का इसकी हैदराबाद और गवर्नर कौन है? टी सुंदरराजन। चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फनी बॉय मूवी विल रिप्रेजेंट विच कंट्री एट द 2021 ऑस्कर अवार्ड। यानी कि फनी बॉय फिल्म 2021 ऑस्कर अवार्ड में किस देश का प्रतिनिधित्व करेगी? फनी बॉय मूवी विल रिप्रेजेंट विच कंट्री एट द 2021 ऑस्कर अवार्ड। फनी बॉय फिल्म 2021 ऑस्कर अवार्ड में किस देश का प्रतिनिधित्व करेगी? हम आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा कनाडा, जो कि आंसर दिया है पाला सौरभ यादव जी ने, बिल्कुल सही। शिवम ने नहीं सही है। अदिति हर्ष कनाडा, अनामिका पाठक जी ई नंबर। इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। यानी कि भारतीय कनाडाई फिल्म निर्देशक दीपा मेहता ने फनी बॉय को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2021 में कनाडा का प्रतिनिधित्व करेगी। कनाडा की बात करें तो कैपिटल का ओटावा, करेंसी कौन सी है? कैनेडियन डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जस्टिन ट्रूडेयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज वन द टाइटल स्पॉन्सर फॉर द वुमेन्स आईपीएल 2020 एडिशन। महिलाओं के आईपीएल 2020 संस्करण के एक शीर्षक प्रायोजक किसने जीता है? पहला ऑप्शन है ड्रीम इलेवन, दूसरा है डीएनएफ, तीसरा है वीवो, चौथा है जियो और पांचवा है पेप्सी। तो क्वेश्चन है कि हु हैज वन द टाइटल स्पॉन्सर फॉर द वुमेन्स आईपीएल 2020 एडिशन। महिलाओं के आईपीएल 2020 संस्करण के लिए शीर्षक प्रायोजक किसने जीता है? ड्रीम इलेवन, डीएलएफ, वीवो, जियो और पेप्सी। हम आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा जियो। यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यानी द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई announced Jio as the title sponsor of the 2020 edition of the Women's T20 Challenge. Jio T20 Challenge. Next question. Sean Connery, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किससे संबंधित थे? Sean Connery has passed away recently. He was related to. सॉन कॉनरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? एक्टर, क्रिकेटर, पॉलिटिक्स, F1 रेस और फुटबॉल। जल्दी से बताइएगा आंसर। क्वेश्चन है कि सॉन कॉनरी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू। सॉन कॉनरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? एक्टर थे, क्रिकेटर थे, पॉलिटिक्स, F1 रेस या फुटबॉल। पहला आंसर शिवम निधि जी डी नंबर, रवि रेणुका एक्टर, अनामिका पाठक जी सी नंबर, अदिति हर्ष एक्टर, सौरभ यादव जी एक्टर, शिवम निधि ए। इसका आंसर हो जाएगा एक्टर। यानी कि सर सीन कॉनरी को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्कॉटिश अभिनेता को जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए सबसे अधिक जाना जाता था, जो कि बड़े पर्दे पर भूमिका लाने वाले जासूसी थ्रिलर में से 7 में से आने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक, तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल रात्रि 9 बजे। तो सब फिर से लाइव आ जाएगा कल रात्रि 9 बजे। और अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया तो आप लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, ताकि हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आपके मिलते रहे। और जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया वो जरूर ले लीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते मैनेज गोल में जाए, आप सेलेक्ट करें बैंक, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी,
कोई भी कैटेगरीज पर मेरा कोड एप्लीकेबल है, आप वहां पर कोड मेरा यूज कर सकते हैं आरपी के 10 फॉर 10% के इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए। और डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक लिंक मिलेगा, वहां फीडबैक जरूर सबमिट करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर, मिलते हैं फिर कल रात्रि 9 बजे। थैंक यू।